जय हिंद। मैं आरके साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड। आज आप लोग को बताना चाहूँगा जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकला है अग्निवीर वायु का 10वीं पास वालों के लिए। इससे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो 10वीं पास है और जिनकी उम्र 17 से 23 साल है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि इस फॉर्म को अप्लाई करें और भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। ये आपको बताना चाहूँगा कि पूर्णतः वर्दी वाला जॉब है, इसमें सिविलियन जॉब नहीं है। बात आते हैं भारतीय वायुसेना में जो 10वीं पास है उनके लिए इस भर्ती का जो श्रेय है उसका नाम है अग्निवीर वायु भर्ती रैली। इसका जो ऑलरेडी इसका जो एग्जाम होगा वो है अभी आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है, इसका जो ऑफलाइन फॉर्म बनना है 25 तारीख लास्ट डेट है, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका PDF में ऑलरेडी आप लोग भेज दिया करूँगा। इसमें आपको 3 पेज में रहेगा आपका फॉर्म आवेदन पत्र, इसको आपको भर के इसके साथ अपना जो जरूरत के डॉक्यूमेंट है उसको करके जो निश्चित स्थान पे आपको पोस्ट करना है। मोस्टली इसका जितना भी एग्जाम है वो आपका दिल्ली में होगा और दिल्ली में ही आपको पोस्ट करना है। डिटेल आपको बताता हूँ, इसका जो ऑफलाइन जो फॉर्म रहेगा वो आपका 25 तारीख से पहले पहले आपको बाई पोस्ट भेजना है। और इस जो पद का नाम है, उस पद का नाम है अग्निवीर वायुसेना। इसमें जो पद का जो नाम रहेगा वो दो पोस्ट पे है, हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी। ये अलग अलग आर्मी नेवी एयर फोर्स में अलग अलग ब्रांच में 10वीं पास में भर्ती होते हैं। जैसे इंडियन नेवी में MR का जो भर्ती होता है सेम वही प्रोसीजर है और वही चीज़ है। इसमें नाम पर चेंज हो जाता है, इनका हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी होते हैं। इंडियन नेवी में जाओगे तो इसको स्टीवर्ड, कुक और कोपाज के नाम से जाना जाता है। इसका जॉब प्रोफाइल में बता देता हूँ क्या क्या आएगा। एक तो इसमें कुक में आएगा, मेस वेटर में आएगा, सफाई वाला, लास्टर, वाशर अप, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन, ये पोस्ट में इनका पोस्टिंग होगा। बात आते हैं इनमें एज की क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें जो एज रहेगा वो है 17 से 23 साल, मतलब आपका 17 से 23 साल का मतलब 31 दिसंबर 1999 से लेके 30 जून 2005 के बीच में जितने भी स्टूडेंट आते हैं। ये लोग को क्वेश्चन आता है सर मैं यदि आपका 28 दिसंबर भी है तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। यदि आप 1 जुलाई 2005 का डेट ऑफ बर्थ है मतलब आप इस फॉर्म को भरने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए क्या क्या आपको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। यदि आपका 8वीं पास और 10वीं पास और 12वीं पास यदि हो या कि कोई केवल 10वीं पास ही है तो केवल अपना 10वीं पास के फॉर्म डालें, और यदि कोई 12वीं है चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो वो आराम से 10वीं 12वीं का डाल सकते हैं। प्लस आपका फोटो रहेगा। फोटो में आधे लोग को कन्फ्यूजन है कि सर जिसमें डेट और नाम लिखा है वो डालें कि नॉर्मल डालें, इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा डेट डालना है। आप यदि आपके पास नॉर्मल बैकग्राउंड वाला है तो वो भी डाल सकते हैं और डेट वाला है तो उसको भी फॉर्म को आप डाल सकते हो। प्लस आपका जाति पड़ेगा, प्लस निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपको फोटो हो गया, आपका साइन रहेगा, जीमेल आईडी लिखना है और आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीज आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के टाइम में। अब बात आते हैं इसमें क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें जो अग्निवीर वायुसेना माना गया है इसमें सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि जिनका हाइट बिल्कुल कम है मतलब 152.5 सेंटीमीटर वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये वैकेंसी है केवल लड़कों के लिए ही है और जो योग्यता मांगा है वो है केवल 10वीं पास। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा ध्यान ना देते हुए केवल फॉर्म पहले फिलअप करें, तैयारी स्टार्ट अभी से कर दें। अब बात आती है इसमें क्या क्या मांगा जाएगा। शारीरिक योग्यता, इसमें जो आपका जो फिजिकल होगा वो इसमें आपको जो दौड़ मांगा जाएगा वो है 1.6 किलोमीटर, मतलब आपका 1600 मीटर रहेगा। इसको आपको 6 मिनट 30 सेकेंड, यदि कोई पहली बार भी दौड़ेगा ना अच्छे से तन मन धन से आराम से 6 मिनट 30 सेकेंड तो निकाल ही सकता है। तो फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दे, रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्लस आपको सीटअप 10 मानने हैं, पुशअप 10 मानने हैं और उठक बैठक 20 मानने हैं। आपको एक गाइडलाइन बता दूँ, इनमें मैक्सिमम सब पास हो जाते हैं, इसमें भी मैक्सिमम पास हो जाते हैं, इसमें भी मैक्सिमम पास हो जाते हैं, जो उठक बैठक पे है उसी में ही सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। तो जो अभी तक तैयारी नहीं की है उठक बैठक का तो उठक बैठक का अच्छा से तैयारी अभी से कर लें। अब बात आती है नेक्स्ट परीक्षा का तरीका क्या क्या रहेगा। अभी की जो परीक्षा का तरीका रहेगा वो है आपका लिखित परीक्षा सबसे होगा। आपका जो लिखित परीक्षा रहेगा आपका जनरल अंग्रेजी मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इनमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और ब्रांच परीक्षा, मतलब आप जिस जैसे आप हॉस्पिटलिटी का भरे हो तो हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको मेंटेन कैसे करते, अभी हाउसकीपिंग का भरे हो तो हाउसकीपिंग से रिलेटेड का जो 30 क्वेश्चन है वो आपको उसी में से क्वेश्चन पूछा है, मतलब टोटल आपको 50 नंबर का क्वेश्चन रिटन एग्जाम में यही लिखित परीक्षा का ये रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, उसके बाद ये दोनों पास हो गए, आप इसको भी पास कर लिए और इसको भी पास कर लिए तो लास्ट में होगा आपका मेडिकल। आपको बताना चाहूंगा एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा सा टाइट रहता है तो अपने आप को फिट एंड फाइन करके जरूर रखिएगा, यदि आप कभी भी मेडिकल के लिए जाते हो तो कान को साफ करके जरूर जाए क्योंकि मोस्टली कान कचड़ा होने के कारण आधे लोग आउट हो जाते हैं। अब बात आती है अभी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आप आवेदन जो फॉर्म भरेंगे उसको कैसे भरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र इशू किया जाएगा, वो आपको बाय पोस्ट आपको एड्रेस पे भेजा जाएगा कि जिसको जिसको फॉर्म भरना है उनको जिसको बुलाना है उनके लिए प्रवेश पत्र जारी होगा। उसी टाइम में यदि आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जैसे वाशरमैन का है, कुक का है, या टेलर का है, या बार्बर का, किसी का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो साथ में लेके जरूर जाए, प्लस आपका चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एनसीसी से रिलेटेड हो एनसीसी सर्टिफिकेट पड़ेगा, यदि पत्र व्यवहार के लिए आपका एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, ये आपके डॉक्यूमेंट आपको जरूरत यही है, इससे ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि हमें जो फॉर्म भरे उसको भेजना कहाँ है, भेजने के लिए ये है आपका पोस्टल एड्रेस, ये आपका पोस्टल एड्रेस है, ये जगह है, ये जैसे दिल्ली के एंड का है, ये भी दिल्ली का, मैक्सिमम सभी दिल्ली का है, और इनका ड्रॉप बॉक्स। अभी सबसे ज्यादा डाउट ये है कि हमको फॉर्म को भेजे कहाँ, ये आपका पोस्टल एड्रेस पे ही आपको फॉर्म को भेजना है, और ये जो ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, कई कई जैसे हम एड्रेस पे जाते हैं तो क्या होता है ये एड्रेस पे हमने डाला तो ये डायरेक्टली यहीं जाता है, वहाँ हर जो यूनिट होता है उसका एक ड्रॉप बॉक्स पोस्ट ऑफिस के पास रहता है, उस ड्रॉप बॉक्स में पूरा बोरी भर भर के पूरा करीब 200, 2000, 3000 लेटर पूरा एक साथ जाते हैं और एक ड्रॉप बॉक्स में जाके जमा हो जाते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स है वो वहाँ से कलेक्ट करके जिनको जिनको एडमिट कार्ड इशू करना रहता है या जिनका फॉर्म में रिजेक्ट करना है या पास करना है वो यहीं से डिसाइड होता है। और ये देखो स्ट्रीम अवेलेबल, मतलब आप जो फॉर्म भरे हो वो चीज़ है कि नहीं है, तो जैसे ये वाला जो है इस एड्रेस पे भी आप भेज रहे हो तो यहाँ पे हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग, मतलब आप कोई एक ही फॉर्म भर सकते हो, जैसे एक तो हॉस्पिटलिटी का फॉर्म भर सकते हो या हाउसकीपिंग, दोनों में से एक का याद रखना, सबका एक साथ भर दोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मायने रखेगा कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, कई लोग क्या करेंगे हॉस्पिटलिटी के भी डाल देते हैं और हाउसकीपिंग का भी डाल देते हैं, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए याद करना किसी एक का डालना है, हॉस्पिटलिटी का डालना है नहीं तो हाउसकीपिंग का। और अभी इसका कितना वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप एक सोच लीजिए कि जहाँ जहाँ डालना है, जैसे यदि कोई हॉस्पिटलिटी का डालना है तो याद रखो केवल एक ही जगह में, ये दिल्ली कैंट वाले में ही बस ये है, बाकी जगह में कोई हॉस्पिटलिटी का नहीं है, बाकी जगह सब जगह हाउसकीपिंग का है, तो कोशिश करना हाउसकीपिंग का, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हाउसकीपिंग का वैकेंसी ज़्यादा है, हॉस्पिटलिटी का कम है, क्योंकि तो एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल है बहुत लिमिटेड है और बाकी हाउसकीपिंग जो है मतलब जहाँ जहाँ यूनिट होगा वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो उसका वैकेंसी ज़्यादा है, तो मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा हाउसकीपिंग का ही ज़्यादा डालिएगा फॉर्म। और ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस में आपको क्या करना है, आप जो लिफाफा रहेगा उसमें इसी एड्रेस को ही डालना है, और ये एड्रेस में डाल के लिफाफे के अंदर अपना एक अपना खुद का पता लिखा हुआ एड्रेस को डाल के टिकट चिपका के करना है और सब में स्पीड पोस्ट करना है क्योंकि 25 तारीख ज्यादा दिन बचा नहीं है। और अभी यहाँ पे आपको देखो फिजिकल लिखित परीक्षा और मेडिकल, ये तीनों चीज जब हो जाएगा तभी आप क्या बनोगे, फौजी। और फौजी बनने के लिए यही जरूरत है कि जल्दी से जल्दी आप इस परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करो और जल्दी जल्दी पास होकर अपना वर्दी पाने का जो सपना है उसको साकार करो। और कोई भी डाउट रहता है ये मेरा मोबाइल नंबर है, एनी टाइम कभी भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।